हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एमएस एक्सेस पे हम रेडियो बटन बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऑप्शन वाले रेडियो बटन हम कैसे बना सकते हैं इसको सीखेंगे। सबसे पहले मैं एमएस एक्सेस जो भी वर्जन मेरे पास है उसे ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास 2007 वर्जन है। कोई पुराना डेटाबेस जो मैंने बना के रखा है उसे ओपन करते हैं। यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पहले से रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें स्टूडेंट की आईडी दी हुई है, स्टूडेंट का नेम दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है इसका, और यहाँ सिटी दी हुई है और पिन कोड और स्टेट दिया हुआ है। इतनी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट पे जाना है और आ जाएंगे हम मोर फॉर्म्स। यहाँ मोर फॉर्म्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करिए और आ जाइए फॉर्म विजार्ड में, और यहाँ पर डबल हेडेड जो बना हुआ है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। और आप जिस भी फॉर्म में डेटा को रखना चाहते हैं उस फॉर्म में रख सकते हैं। मैं कॉलमर ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाइए आप और यहाँ से कर दीजिए फिनिश, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फिनिश कर दिया। तो ये इस प्रकार का कुछ इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। अब हमको क्या करना है, डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आप थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए ड्रैग करके माउस को, और यहाँ पे हमें बटन बनाना है। सबसे पहले हम क्या करना क्या है, रेडियो बटन बनाना है हमें। तो रेडियो बटन कैसे बनेगा, रेडियो बटन बनाने के लिए यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन बटन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक कर दिया हमने और यहाँ पर हम इसको ड्रैग करके इसको फैला देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसको थोड़ा किनारे करेंगे और यहाँ पर हम बटन किस चीज का बना रहे हैं वो चीज यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए, हालांकि मैंने मेल फीमेल का बना रखा है पहले से, यहाँ पे जेंडर जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बना रखा है हमने। ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं अगर आपको ये सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें मेल फीमेल का बटन बनाना है। तो कैसे बनेगा ये, इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम बनाएंगे मेल फीमेल वाला बटन। ये हमारा ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप इरेज कर दीजिए यहाँ से, बहुत ही आसान है। यहाँ से हम कर देंगे इरेज और यहाँ मैं लिखता हूँ मेल के लिए ये बटन चूज करेंगे और फीमेल के लिए फिर इस पे दोबारा क्लिक कर दीजिए आप, तो यहाँ फीमेल के लिए बटन आप बना पाएंगे। तो फीमेल के लिए ये वाला बटन चूज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिए आप। यहाँ से फीमेल लिख दीजिए यहाँ। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये रेडियो बटन हम कैसे बना पा रहे हैं। अब इनको हमें कलर में करना है और थोड़ा बड़ा भी करना है, तो यहाँ से आप ड्रैग करके खींच दीजिए इसको तो ये बड़ा हो जाएगा। कलर में करना है तो फिर यहाँ रखिए, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फिर कलर करते हैं। तो ये देखिए, ये बटन जो है काफ़ी बड़े हो, मतलब ये लिखे हुए बटन यहाँ पे काफ़ी बड़े हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए आप और यहाँ से आप चूज कर लीजिए जो भी आपको कलर ठीक लगता है वो कलर ले लीजिए। टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेल हो गया और ये हाँ फीमेल के लिए एक कोई दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, जैसे ये ब्लैक कलर चूज करता हूँ मैं और यहाँ पर इसका कलर वाइट बना दूंगा। तो यहाँ मेल और फीमेल के लिए दो बटन हमने क्रिएट कर लिए हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस प्रकार से हम मेल और फीमेल के लिए बटन बना सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम और भी चीज़ें सीखेंगे, इसमें और भी बटन्स के बारे में जानकारियां हम लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।